शांति सर्व ब्राह्मण कुल भूषण भाई बहने, अभी आप सभी वर्तमान समय जो तपस्या का हमें मिला है, वो तपस्या के समय में अभी हम क्या करेंगे। हम बहुत सारी बातें जो जीवन के अंदर धारण नहीं की या जिसको धारण करने के लिए हमें समय प्राप्त नहीं हुआ या जिनको धारण करने में हमें अनेक विघ्न आए, तो अभी हम सभी स्वयं की स्वउन्नति के लिए क्या करेंगे। तो कुछ बातें जो आपके आगे रख रही हूँ, एक तो स्वयं को व्यस्त करें। किस में व्यस्त करें? पढ़ाई में व्यस्त करें। हम रोज मुरली पढ़ें, अव्यक्त मुरली पढ़ें। हम एक निश्चित अवधि नक्की करें कि हम इस तारीख से लेकर इस तारीख तक, जबकि हम फ्री हैं, घर में बैठे हैं, तो हम अव्यक्त वाणियों का अध्ययन करेंगे या साकार मुरलियों का अध्ययन करेंगे। न सिर्फ अध्ययन करेंगे, परंतु हम आपस में परिवार के सदस्य जो भी ज्ञान में हैं, हम उनसे बातचीत करके और विचार सागर मंथन करके, और हम कुछ टॉपिक्स पर पॉइंट्स निकालेंगे, जिसमें मुख्य टॉपिक्स स्वयं की मनसा वाचा कर्मणा जो भी समस्याएं हो, उन समस्याओं को सुलझाने के विषय में हो। जैसे मेरी आवाज़ बहुत ऊंची आवाज़ से मैं बात करती हूँ, मेरी आवाज़ बहुत बड़ी है, मैं जब बोलती हूँ तो अशांति जैसा वातावरण लगता है। भले मैं अशांति का वातावरण नहीं बनाती हूँ, परंतु मेरी आवाज़ के अंदर वह बात है जो मैं एक बोलती हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत शोर मच रहा है, और मैं बार बार बोलती हूँ, एक बात को बार बार रिपीट करती हूँ, एक बात की जब तक मुझे खुद को संतोष नहीं होता तब तक मैं उस बात को छोड़ती नहीं। जब तक मुझे सभी मेरे विचार की बात मैं उनके आगे जब रखती हूँ और मेरे विचार से वो शामिल, मेरे विचार में वो शामिल नहीं होते या फिर मेरे विचार को वो मान्यता नहीं देते या फिर मेरे विचार उनको जचते नहीं या मेरे विचार को वो स्वीकार नहीं करते, तो मैं जिद्दी बन जाती हूँ और जिद्दी बनकर बार बार उनको मेरे विचारों की स्पष्टता करती रहती हूँ। यहाँ तक कि वो तंग हो जाते हैं और आखिर मुझे कभी कभी उनका अपमान भी महसूस होता है और वो अपमान भी बर्दाश्त करना पड़ता है। तो कारण क्या है? जिद। और बाबा कहते हैं, ऐसे मेरा, मैं मधुर भाषी नहीं, मैं कम बोलती नहीं हूँ, मैं जोर से बोलती हूँ, धीमा नहीं बोलती, मीठा नहीं बोलती, आवश्यक बात नहीं बोलती, शॉर्ट में नहीं बताती। तो ये जो मेरे अंदर कमजोरियां हैं, मैं उन कमजोरियों पर उनसे बात करूं, उनसे स्पष्टता लूं, उनके अनुभव सुनूं, जिनके जीवन के अंदर वो मधुर बोल बोलते हैं, जो मधुर मीठी वाणी बोल के हरेक का दिल जीतते हैं, जो कम बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, शांति से बोलते हैं और हरेक के दिलों पर राज्य करते हैं, अर्थात वो सभी को प्रिय भी लगते हैं। तो मैं उनके अनुभव को सुन करके और ये अभ्यास करूं कि मैं भी इनकी तरह बाबा की याद में, बाबा के ज्ञान को लेकर के, मुरली की पॉइंट्स को लेकर के और पढ़ाई को लेकर के, और फिर
मेडिटेशन करके, योग करके, बाबा को याद करके, बाबा से शक्ति लेकर मैं वैसी अपनी धारणा बनाऊं। अब ऐसी कई बातें हैं, अगर मैं हर बात बताने जाऊं तब तो ये क्लास पूरा ही नहीं होगा, परंतु ऐसी हमारी छोटी छोटी, हम छोटी सी बात में नाराज हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, मूड आउट हो जाती है, हमारा सिर पक जाता है, हम किसकी बात सुन नहीं पाते, हम किसकी बात सहन कर नहीं पाते, हमें तुरंत फील होता है, फीलिंग का फ्लू लग जाता है। ऐसे हमारे कई स्वभाव हैं, जिन स्वभावों के कारण हम इगोइस्ट बन जाते हैं, फिर इगोइस्ट बनने के कारण, देह अभिमानी बन जाने के कारण हम सामने वाली व्यक्ति का सम्मान नहीं करते, उसको रिस्पेक्ट नहीं देते, रिगार्ड नहीं देते। तो ये जो मेरे बुरे संस्कार हैं या जो मेरा बुरा स्वभाव है, मैं उसको बाबा से बातें करके और बाबा से उसका सॉल्यूशन लूं, समाधान लूं, और जो अनुभवी आत्माएं हैं उनसे मैं विचार सागर मंथन करके उनसे वार्तालाप करूं, और वार्तालाप करके अपनी उस कमजोरी को मिटाने का मैं समाधान ढूंढूं। ठीक उसी प्रकार मैं योग की भी अपनी दिनचर्या बनाऊं कि मैं कितने बजे से लेकर रात्रि के सोने तक, जैसे बाबा ने कहा कि 8 घंटा नींद करो, 8 घंटा कर्म योगी बन के कर्म करो और 8 घंटा बाबा को याद करो, तो मैं कैसे अपने 8 घंटे बाबा की याद में व्यतीत करूं, कैसे 8 घंटे मैं कर्म योगी बन के कर्म करूं। तो ये मुझे अपनी विचार सागर मंथन करके दिनचर्या बनानी है, क्योंकि सारी दिनचर्या पर आधारित मेरी निद्रा होगी, मेरी नींद होगी, मेरी नींद के ऊपर उसका प्रभाव होगा, तो मुझे नींद भी फिर वैसी आएगी। यदि मैं सारा दिन योग करके, बाबा को याद करके पॉजिटिव बातें करती हूँ, पॉजिटिव शक्तियाँ प्राप्त करती हूँ, पॉजिटिव सोचती हूँ, पॉजिटिव देखती हूँ, बोलती हूँ, करती हूँ, तो मैं पॉजिटिव कर्म भी करने लगती हूँ, और जब पॉजिटिव कर्म करती हूँ तो मुझे उसका फल भी पॉजिटिव मिलता है, रात्रि को नींद भी बाबा की याद में बड़ी मीठी आती है और मैं सुबह बड़ी फ्रेश होकर के उठती हूँ। अच्छा है अगर इसमें भी ऐसा लगे कि हम कितना बाबा को याद करके कितना करें, मुरली पढ़ करके कितनी पढ़ें, तो आपके पास कोई कलाएं भी तो होंगी, कोई विशेषता भी तो आप में होंगी, तो आप वो विशेषता को, अपनी विशेषता को प्रत्यक्ष रूप में बाहर लाएं। अगर आप भोजन बनाने की कला को जानते हैं, आप विविध प्रकार के टेस्टी भोजन बनाना जानते हो, तो आप सभी को, परिवार को अच्छा अच्छा भोजन बना के बाबा की याद में बनाकर उनको खिलाएं, वो प्रसन्न हो जाएंगे। उसी प्रकार आप में अगर नृत्य कला है, आप में अगर गीत गाने की, गीत बनाने की कला है, लिखने की कला है, संगीत की कला है, आपका, आपके अंदर यदि चित्र बनाने की कला है, मूर्ति बनाने की कला है, या आपके अंदर वेस्ट को बेस्ट बनाने की कला है, या विविध प्रकार के कोई नए नए प्लान्स पर घर बैठे सेवा करने के प्लान्स हैं, तो वो आप सोचें और उसको भी दिनचर्या में शामिल करें। परंतु कहने का मतलब यही है मेरा कि आप स्वयं को व्यस्त करें, व्यस्त रखें, जरा भी स्वयं को फ्री न करें। फ्री करेंगे तो फ्री माइंड,
डेविल्स हाउस, शैतान का घर बनेगा। फिर वह माइंड सारे परिवार के अंदर अपने अशुद्ध और अपने विषयी विकारी देह अभिमान से ग्रस्त वातावरण और वाइब्रेशन फैलाएगा और पूरे परिवार को अशांति और दुख की प्राप्ति होगी। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, बाबा ने हमें बहुत खजाने दिए हैं। बाबा ने हमें ज्ञान का खजाना दिया, उससे खेलें। बाबा ने हमें योग सिखाया, हम योग की विविध अनुभूतियों के झूले में झूलें। बाबा ने हमें शक्तियाँ दी, हम शक्तियों का दान करें, अपनी शक्तियों की बाबा को याद करके वृद्धि करें। उसी प्रकार बाबा ने हमें अमूल्य समय दिया है और ये हमारा अंतिम 84वां जन्म अमूल्य है, क्योंकि बाबा आए हैं बाबा के कहने पर, बाबा की श्रीमत पर हम बाबा के बने हैं। इसलिए बाबा को याद करते हुए जो बाबा कहते हैं वैसा हम करें। और हम क्या करें, नहीं सूझता, अच्छा मुरली में पढ़ो। मुरली में बाबा ने बहुत सारे विषयों पर क्या करें क्या ना करें वह भी बताया है। तो आप मुरली को भी अच्छी तरह अध्ययन करें तो जो आपके मन में प्रश्न होगा उसका जवाब आपको मुरली से मिलेगा। जो आपकी समस्या है वो आपकी मुरली से सुलझ जाएगी। मुरली का जादू और चमत्कार क्या है वो आप इस फुर्सत के समय पर मुरली की पढ़ाई के पीछे पढ़कर विचार सागर मंथन करके प्रत्यक्ष रूप में जादू का अनुभव कीजिए, चमत्कार का अनुभव कीजिए, प्रत्यक्ष फल का अनुभव कीजिए। परंतु स्वयं को फ्री न रखें, व्यस्त करें। अच्छा मीठे मीठे बाबा को सभी याद तो करते ही हो, मुरली भी सुनते ही हो, मुरली पढ़ते भी हो, परंतु अब फ्री हो गए तो यही करें कि प्लान करें और उस प्लानिंग को अपने पेपर पे नोट करें और फिर सुबह से लेकर रात्रि के सोने तक मनसा वाचा करुणा की जो दिनचर्या आपने स्वयं की स्व उन्नति के लिए बनाई है उसको एक भट्टी का तपस्या का स्वरूप देकर और तपस्या करें और विजय प्राप्त करें। ओम शांति।